हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं काइन मास्टर में वीडियो की लेयर बनाते हुए वो नो एक्सीड लेयर बता देता है और हम वीडियो नहीं लगा पाते हैं, जैसे कि हम आपको भी करके दिखाएंगे और हम आप ये प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएंगे। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। चलो दोस्तों, हम बताते हैं वीडियो, जैसे हम वीडियो एडिट करते हैं और फिर हम वीडियो लगाते हैं तो उसमें नो एक्सीड लेयर बताता है, यानी कि ज़्यादा हम लेयर नहीं लगा पाते हैं वीडियो में। तो इसी प्रॉब्लम को आज हम लेकर आए हैं और हम उसे सॉल्व करेंगे। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पर मीडिया पर जाएंगे, इसमें बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें से हम कोई सा भी बैकग्राउंड ले लेंगे, जो आप लेना चाहे कोई सा भी ले लो, जैसे हम ये ले लेते हैं नॉर्मली। इसे लेने के बाद दोस्तों, हम यहाँ से इस पर क्लिक करके इसे जीरो पे ले आएंगे। जीरो पे लाने के बाद हम इसे यहाँ से राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, इसे यहाँ से राइट करने के बाद अब दोस्तों हमें जैसे मोबाइल फ्रेम में लगानी है ये वीडियो, तो हम इसके लिए लेयर पे जाएंगे। लेयर पे जाने के बाद इमेज पर जाएंगे। इमेज पर क्लिक करने के बाद अब हम वो अपना वो ले आएंगे मोबाइल फ्रेम जो हमने डाउनलोड किया हुआ है। ये देखो दोस्तों, ये मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है और मैं इसको वीडियो में लगा रहा हूँ। ये मेरा फ्रेम आ गया है वीडियो पे। ठीक है दोस्तों, अब मैं इसे यहाँ से लगा देता हूँ। इसे कि मैंने अब मैंने यहाँ से इसे लगा दिया है, यहाँ से इसे राइट कर दो। ठीक है दोस्तों, ये मेरा लग गया। अब हम इसे यहाँ से हमें ये बढ़ाना पड़ेगा अपने वीडियो के अकॉर्डिंग, जितनी हमारी MB की, जितनी हमारी टाइम की वीडियो होगी उस हिसाब से हम इसको बढ़ा लेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ से हम इसे ऐसे आगे कर लेंगे, इसे भी बढ़ा लेंगे। अभी हमारा बढ़ गया है और अब हम वीडियो लेयर लेते हैं। जब हम इसमें वीडियो लगाएंगे, देखो मैं आपको लगा कर दिखाना हूँ, उसमें एरर बताता है। जैसे कि दोस्तों, मैं कोई वीडियो ले लेता हूँ, चलो देख यही लेकर देख लेता हूँ। ठीक है, ये देखो दोस्तों, हमें ये करने पर इसमें ये प्रॉब्लम आती है, यू हैव एक्सीडेड द मैक्सिमम नंबर ऑफ वीडियो लेयर, नंबर ऑफ सपोर्टेड वीडियो लेयर डिपेंडेंट ऑन वीडियो रिजोल्यूशन एंड डिवाइस। ये दोस्तों, और ये हमारा ये वीडियो भी नहीं लग पाती है, हमारा ये ऐसे इसमें शो करता है। तो दोस्तों, जब हमें ऐसा इंटरफेस देखने को मिले तो सिंपल करना क्या है, बस हमें यहाँ से बैक करना है। देखो मैं अभी आपको ये पूरा सॉल्व करके दिखाऊंगा। हम यहाँ से बैक कर देते हैं इसे, यहाँ से बैक करके यहाँ पे ले आएंगे इसे। यहाँ पे लाने के बाद दोस्तों, हम इसकी सेटिंग में जाएंगे। सेटिंग में जाने के बाद हम सबसे पहले जाएंगे अपनी नीचे जाएंगे, सबसे एडवांस एंड एक्सपीरियंस, इसमें जाके हम अनलिमिटेड वीडियो लेयर मोड को यहाँ से इनेबल कर देंगे। ठीक है दोस्तों, कंटिन्यू एनीवे इसे इनेबल करने के बाद हम यहां से बैक करेंगे। बैक करने के बाद हम सबसे ऊपर जाएंगे, फिर यहां पे है डिवाइस कैपेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, इस पर हम क्लिक करेंगे। ये देखो दोस्तों, यहां पे ये 1080p FHD दिखा रहा है, इसमें ये सपोर्ट नहीं करता है, नॉट सपोर्टेड लिखा हुआ रहा है। तो इसके लिए सिंपल हमें दोस्तों करने का है, हम यहां से रन एनालाइज नाउ पे क्लिक कर देंगे। रन एनालाइज नाउ, ये दोस्तों थोड़ा टाइम लेगा ये, तो इसलिए मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर देता हूँ, थोड़ा ज़्यादा टाइम ले लेता है। तो फिर मैं भी उसके बाद वीडियो प्ले करूँगा और फिर मैं आपको दोस्ती से दिखाता हूँ कि ये कैसे सॉल्व करता है। ठीक है दोस्तों, आप बस वेट कीजिए थोड़ा। ये देखिए दोस्तों, एनालाइज करने के बाद अब यहाँ पे ये जो पहले नॉट सपोर्टेड लिखा हुआ था, अब एग्जाम्पल अमाउंट ऑफ वीडियो लेयर्स लिखा हुआ रहा है, यानी कि 1080 की आ रहा है, 720 आ रहा है, 440p का, यानी कि हमारा ये अब सपोर्ट हो गया है। अब हम यहाँ से बैक कर देते हैं, इसे एक बार और बैक करते हैं। अब बैक करने के बाद हम दोबारा से वीडियो एडिट करेंगे, अब देखते हैं हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई है या नहीं हुई। ठीक है दोस्तों,
सबसे पहले हम बैकग्राउंड सेलेक्ट करेंगे, बैकग्राउंड में कोई सा भी इनमें से ले लेते हैं, सेम यहाँ से जीरो पे ला के राइट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये करने के बाद अब हम लेयर पे वो फ्रेम लेंगे, मोबाइल फ़ोन जो हमने फ़ोन में सेव किया हुआ है, देखो दोस्तों इसे हम यहाँ से ले लेंगे, इसे यहाँ पे हम ऐसे करके लगा देंगे। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे कर लेते हैं सेव। अब हम इसे थोड़ा बढ़ा लेते हैं वीडियो के अकॉर्डिंग थोड़ा सा। ठीक है दोस्तों, अब हम इसे करने के बाद अब हम लगाएंगे इस पर वीडियो, जहाँ हमें प्रॉब्लम आ रही थी वीडियो लेयर क्रिएट नहीं हो रही थी, अब हम देखते हैं कि हमारी वीडियो लगेगी या नहीं लगेगी। अब तो दोस्तों हम इसमें वीडियो लगाते हैं, ये नहीं दोस्तों, एक मिनट, कोई और सी वीडियो लगाते हैं हम, ये लगा के देखते हैं, ये तो कुछ नहीं है। तो ये देखो दोस्तों, वीडियो अब हमारी सही आ गई है, अब हमारी वीडियो में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो अब हम अपनी वीडियो का आसानी से एडजस्ट कर सकते हैं, कहीं पे भी लगा सकते हैं, किसी भी तरह इसको हम लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है। बस इसी तरह आप भी दोस्तों, अगर आपके फ़ोन में सपोर्ट नहीं कर रहा है, इसी तरह अपने फ़ोन को एनालाइज़ कीजिए, काइनमास्टर ऐप को ओपन करके इसे आप जो दो मैंने सेटिंग बताई है वो करके एनालाइज़ कर लीजिए, और फिर दोस्तों आपकी ये ऐसे ही वीडियो लग जाएगी। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और हो सके तो शेयर भी कर देना दोस्तों। धन्यवाद।